सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जब सत्संग की ओर आ रहे थे तो ये जो नज़ारा देखने को हो रहा था कि इतनी संगत अलग अलग जगहों से आकर इतने उत्साह से जो आज आए हैं, और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुज़ुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार, ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, कि निरंकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट फ्री हो के एक स्वच्छ तरीके से मन के भाव खुश हो रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर वही बात कि हम कोई कार्य करते हुए भी मन में ऐसे सोच आ रहे हैं कि ये डिसीजन तो बिल्कुल जो सत्संग में सुनते हैं ऐसे चीज़ों से बिल्कुल उलट है, तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हमारा वो एक निर्णय करना उस चीज़ पे कि इस समय, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी हो, इतना भी हो कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आजकल की दुनिया में जहाँ पीयर प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर कोई हमारे साथ वाला ऐसा कर रहे हैं जो हमारा मन उस तरह नहीं मान रहा कि ऐसा करना तो उचित नहीं है, तो अगर हम वो कार्य कर लेते हैं और वो अपने आधे दिल से, जैसे हाफ हार्टेडली बोलते हैं, तो उससे समझ में आता है कि निरंकार ने तो हम सबको वो चेतनता दी है वो डिसीजन मेकिंग की, तो वो हम किस रूप में किस तरफ वो लेकर जा रहे हैं, क्या हम सिर्फ उसी लिए ये कार्य कर रहे हैं कि सदियों सदियों से ये कार्य हो रहा है और अब तो ये परंपरा बन गई है, ये एक रूटीन बन गई है। तो हमें ऐसे समय में वो चीज़ों को सोचना कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये एक अंधविश्वास की तरह, एक ये अंधाधुंध कार्य ना होता रहे, पर किस तरफ हमारी सोच हमें जो सही मार्ग दिखा रही है, जो निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा लेने के बाद जो ये सोच बन जाती है, तो वो कभी भी हमें गलत रास्ते नहीं जाने देता। और साथ ही जहाँ आज हम सत्संग में ये बहुत अलग तरह की भावना भाषाओं में सुन रहे थे, कोई प्रेम, नम्रता, करुणा की बात, कोई विशालता की बात, कोई इस निरंकार की महिमा का बयान करते हुए, या फिर सिर्फ अपने मन के भाव कर रहे थे, तो यही सोच में ध्यान में बात आ रही थी कि किस तरह चाहे हम कहीं से भी आए हो, हम एक दूसरे को सत्संग में यहाँ बैठ रहे हैं, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जो बैठ रहे हैं हम उनको जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जान सकते, तो जहाँ हम इतने छोटे से कमरे में बैठे हैं तो एक दूसरे को नहीं जानते, और तो जो विश्व की बात आती है तो ऐसे तो कितने अनगिनत देश हैं और कितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, तो हम किसी को भी उस तरह नहीं जानते। तो ये जो बात आती है कि हमने संसार में सभी से प्यार करना है, तो वो कैसे अचीव हो पाएगा, हम नहीं तो एक अगर किसी को जानते हों उसको तो प्यार कर लेते हैं, एक अजनबी की जहाँ बात आती है उसको कैसे प्यार करना है। तो बात सिर्फ इतनी सी ही है कि जो हमारी आत्मा का स्रोत है वो निरंकार ही है, तो वो हर एक के अंदर है, वो सिर्फ ये मनुष्य शरीर वालों के लिए बात ही नहीं, बल्कि पूरी वनस्पति या पूरी जो भी स्पीशीज हों इस संसार में, सभी में तो है, पर ये मनुष्य में हम हैं तो हमारे पास वो पोटेंशियली
वो जीवन मिल गया जहाँ हम अपने इस सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन इस परमात्मा को जान सक रहे हैं, तो वही वो बात जहाँ प्यार की कि जब हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हम एक ट्रेन में या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हों तो हमारे साथ जो बैठे अजनबी हैं तो हम वो उसको एकदम से तो उसके लिए ऐसे हमारे भाव नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे बात चलती है आगे, ट्रेन की जर्नी चल रही है, तो वहीं हम थोड़ा सा भी अगर जानकारी उनके बारे में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो एक फेमिलियरिटी फैक्टर मिल जाता है। ओ, आप तो हमारे ही शहर के हैं, अच्छा आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, या कुछ भी ऐसी बातें होती है कि धीरे धीरे वो जहाँ एक अजनबी है उसके लिए मन में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना, वो एक प्रेम का एक थोड़ा सा दर्जा उसके मन में हमारे लिए जो आना। तो अगर हम सिर्फ ये कम्युनिकेशन रूप में भी चाहे, जो अभी तक बिल्कुल अजनबी था अब वो हमारा जानकार हो गया, और ऐसे ही जहाँ लार्ज स्केल पे देखें दुनिया की बात करें तो ये तो संभव ही नहीं कि हम हर एक से जा के बात करें और ये फेमिलियरिटी फैक्टर देखें। तो किस तरह यही है कि सभी से प्यार करना, क्योंकि हम इस परमात्मा से करते हैं तो सभी से करते हैं, तो ये प्यार करना मतलब हर एक के पास जाके जताना प्यार तो संभव भी नहीं है। तो किस तरह हम जहाँ छोटे से ही दायरे में अगर हैं, अगर हम उसमें ही हर एक से प्यार करें तो हम पूरे सृष्टि से पूरे ब्रह्मांड से प्यार कर रहे हैं। तो ये भी कैसे हो जाता है जहाँ आज की दुनिया में एक ब्लड रिलेटिव्स, एक इमीडिएट फैमिली के ही सदस्य आपस में ठीक से बात नहीं कर सकते, या एक दूसरे का निरादर करते हैं, या फिर अपने बोलों में ऐसे कठोर वचन से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। तो जहाँ पे आज की दुनिया में ये भी संभव नहीं कि हम एक परिवार में माता पिता बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स या बस इतने से ही एक हार्मनी में जी सकें, तो ये विश्व में ये शांति की बात या फिर प्यार की बात इसको स्थापित करनी है तो हमने खुद ही देखना है इसको कैसे स्थापित कर सकेंगे। जब हम एक दूसरे की बात मानेंगे, और लॉजिक तो है अपनी जगह कि अगर कोई चाहे उम्र में बड़े हों परिवार में छोटे हों, वो अगर बिल्कुल कोई ऐसी बात कर रहे हों तो सिर्फ ये भी नहीं कि चलो बात माननी है हमें ये सिखाया है, अगर वो बात लगे कि ये अभी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जो उसके खुद के हित में नहीं है और परिवार का भी माहौल खराब करने वाली बात है, तो उस समय हमें यही एक जो अपना गुरुमुख का जो एक कर्तव्य है तो वो हमने रखकर अपने भाव उनको भी समझाना है कि ये आपकी बात जो है ये अपनी सोच को किस तरह मोल्ड कीजिए, या फिर परिवार रूप में भी इसके साथ हम आपके साथ सहमत नहीं हैं, आप सत्संग का कोई उदाहरण कोट करें या जीवन में कहीं भी कुछ हो उससे अपने बड़े बुजुर्गों को भी अगर समझाने की जब बात आए उनको भी बच्चों को भी, तो इस तरह उनको भी समझा कर कि चाहे देखा जाता है दुनिया में तो कोई जो जाति पाति की बात तो छोड़ो, घर के अंदर भी अगर एक डोमेस्टिक हेल्प जिनको हम कहते हैं जो हमारे साथ कभी खाना बनाने की मदद या घर की साफ सफाई की करते हैं, तो कई बार ये भी दुनिया में देखा जाता है कि उनके साथ ही जो व्यवहार है वो ठीक नहीं किया जाता या फिर उनको नीचा माना जाता है, तो उनके अंदर भी तो उतना ही परमात्मा वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है। तो ये भेदभाव कैसा, ये ऊंच नीच कैसी, कि हम एक बात तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी की बात हो गई कि जहाँ हम मुंह से तो कहेंगे कि सब एक हैं, सबसे हमारा प्यार है, और वहीं घर के अंदर का माहौल ऐसा कि कोई किसी को ऊंचा मान रहे हैं, किसी की बातों को हम ऐसे अपनी सोच को ज़्यादा सुपीरियर करके उनकी सोच से सोच रहे हैं, तो ऐसा करना भी एक भक्त के जीवन में शोभा नहीं देता अगर ऐसा हुआ जा रहा है। तो किस तरह हर एक से हम सिर्फ एक वो प्योर इंटेंशन से जब प्यार करेंगे तो वो दायरा हमारा अपने आप बढ़ता जाएगा। जब हमको घर में वो एक खुशी का माहौल एस्टेब्लिश हो जाए
धीरे धीरे जहाँ हम स्कूलों में पढ़ते हैं या काम करते हैं ऑफिसेज में, धीरे धीरे वही माहौल हम जब वहां लाएंगे तो एक ये जो रिपल इफेक्ट होता है, जो एक बूंद अगर कहीं पानी में गिरती है तो उसकी एक भीनी भीनी लेयर्स करके वो आगे की ओर जैसे बढ़ता है, तो वही एक विश्व में बात पहुंचेगी। और ऐसे ही ये हम विश्व में चाहे कोई कहीं से भी आया हो उसको उतना ही प्यार, वो चाहे पहली बार जीवन में मिल रहा हो, बिल्कुल ये अपनेपन की ये एक भावना जो है उससे जब हम किसी को मिलेंगे, एक मुस्कुरा कर देखेंगे, एक धनंकार रूप में अपने अहंकार को उनके कदम में रखकर वो नमस्कार रूप चरणों में सर झुकाकर या हाथ जोड़कर जब करेंगे, तो उसी से हम अपने आगे दूसरों तक वो प्यार पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बार दुनिया में देखा है कि काफ़ी सब कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है, हम एक क्रांति लाना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी क्रांति तो एक हर एक के अपने मन की क्रांति होगी, जहां एक कोई मॉब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, बस हम अपने आप को बदलते रहें, हमारा जीवन इतना अच्छा हो जाए कि और कोई भी वो जीवन देखे तो बोले इनके जैसा ही बनना है, और वही क्रांति फिर उसके आगे मन में अगले के होगी। और ऐसे ही हम ये जो विश्व शांति, विश्व प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, या हम ये जो हार्मनी इन वननेस की बात करते हैं, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात करते हैं, इसको एक अचीव करना संभव हो सकेगा। जैसे कहा भी जाता है कि अगर हम किसी को मिल रहे हों तो एक जो हैंडशेक की बात होती है, तो वी कैनॉट शेक अ पर्सन्स हैंड इफ आर ओन फिस्ट इज क्लिंच्ड। एक दायरा, एक तंग दिल्ली, एक मुट्ठी ऐसे जकड़ के बंद कर लेने से हम वो कैसे दूसरे का हाथ मिला पाएंगे। हाथ मिलाने के लिए तो हमें अपना हाथ खोलकर उसके हाथ के साथ अपने हाथ को छूकर वो एक रिश्ता मन से कायम करके उससे हैंडशेक कर सकेंगे। तो दातार सब पे कृपा करे कि आप सब जहाँ हर पल कोशिश करते हैं कि एक बेहतर इंसान बन सकें, वहाँ पर साथ ही साथ जब तक ये प्रभु परमात्मा निरंकार की सोच मन में है, किस तरह का संतों ने युगों युगों से सिखाया है कि एक मनुष्य की ये ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में डालने की, उतारने की जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम तब तक एक ठीक डायरेक्शन, एक हमारी दृष्टि, दिशा, हर चीज़ एक तरफ है, तो वो सही तरफ है कि गलत है वो हमने तय करना है। और वो निरंकार का सहारा लेते हुए अपने आसपास के जो भी संत महात्मा हैं, वो जो अच्छी शिक्षा दें, वो शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को और सुधारना है। और दूसरों पे भी कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं कि ये तो बोलते कुछ हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखो तो इनका जीवन तो अलग है, ये सत्संग में तो आकर कहते हैं कि गाली गलौच नहीं करना, और इनके घर अगर जाओ तो ये तो प्यार से ही बात नहीं करते, तो वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो जो रिश्ता उनका, फिर आगे निरंकार को पता है उनके साथ क्या करना है। हमने कुछ वो नहीं सोचना कि ऐसा व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है, हमें सिर्फ अपने लिए, हमारे हित के लिए क्या है वो देखना है कि अगर ऐसा कोई इंसान जिसका हमें पता है कि कर्म रूप अच्छा नहीं पर वो बात अच्छी कर रहा है, उस बात को ग्रहण करना है। जैसे हम सब ने बहुत बार ये एग्जाम्पल सत्संग में सुना भी है कि बाबा गुरुबचन सिंह जी के पास जब सब कोई आए थे महापुरुष और कह रहे थे कि आप कहते हैं कि हर एक में उसकी अच्छाई ढूंढनी है, तो आज सुबह आते समय संगत के एक शराबी जो नाले में गिरा हुआ था वो दृश्य देखने को मिला, तो उसमें से क्या अच्छाई अपने जीवन में डालें। तो बाबा जी ने आगे से यही उत्तर दिया कि आप ये सोच लो कि उसका जो जीवन है, हमें ऐसा अपना जीवन नहीं बनाना, हमें अपनी सोच को या कर्म रूप में इतना नहीं गिराना कि अपना कहाँ लेटे हैं, कहाँ बैठे हैं, व्यवहार कैसा है वो अच्छा ही रखना है। दूसरों की अगर खामियां हैं तो उससे यही सीखो कि हमारे को, हमारे अंदर ये ऐसी खामी ना आ जाए। तो दासी आपका और समय नहीं लेना चाहती, और 11 बजे से सब आप पहले ही संगत आए हैं, तो यही एक कामना रखते हुए कि हर एक महापुरुष जो आज यहाँ है
वो सिर्फ अपने ऊपर स्वयं के सुधार के ऊपर ही फोकस्ड रहते हुए ये बात मन में लेकर जाएं कि जो भी बात अच्छी लगे, चाहे संसार में रहते हुए चाहे सत्संग में रहते हुए, किसी की ऐसी बात हो कि अगर एक मनुष्य की 10 बातें बुरी और एक अच्छी, तो भी उस मनुष्य से कैसे प्यार किया जाए, उसको रिस्पेक्ट कैसे कर सकें, वो उसकी एक कोई खूबी लेकर उसको उसी तरह प्यार दिया जाए। तो दातार कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग आप सबकी झोली में जहाँ हमेशा रहे, वहीं सबका ये जज्बा भी वो कायम रहे, एक सुधार के लिए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। सात संगत जी, धार्मिक कार्य जी।